चुनाव का अंतिम चरण होता है मुख्यमंत्री की ताजपोशी का। चुनावी मैदान में उतरने के पहले कई बार गठबंधन में लड़ रहे दल या अकेले चुनाव लड़ रहे दल पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, उस चेहरे के साथ चुनावी दंगल में शामिल होते हैं और कई बार परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री तय किए जाने की बात होती है। पिछले दो चुनावों की बात करें तो साल 2010 में एनडीए ने सीधे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जबकि आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में उतरी पार्टियों ने चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री तय करने के करार पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद पिछली बार 2015 में विधानसभा चुनाव के जेडीयू और आरजेडी ने सात महागठबंधन दल बनाकर जब चुनाव लड़ा था, तब महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार का चेहरा सीएम के लिए सामने रखा गया था, जबकि एनडीए बनाम बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री तय करने की बात कही। यानी 10 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन इस बार डगर मुश्किल है और मैदान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार 1-2 नहीं बल्कि 6 हैं। बिहार विधानसभा में पिछले दो विधानसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं था। इस बार चुनावी मैदान में कुल 6 मुख्यमंत्री के दावेदार। एनडीए की बात करें तो बीजेपी जेडीयू बनाम एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार को माना है। महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम दल सहित सभी ने पहली बार लालू के लाल तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है। तीसरे नंबर पर दावेदारी है एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम पद के दावेदार हैं। वहीं ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने पूर्व मानव संधान विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को सीएम पद का दावेदार बनाया है। पांचवें नंबर पर 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव पीडीए गठबंधन ने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। वहीं छठे नंबर पर है मिस्ट्री गर्ल पुष्पम प्रिया चौधरी पुलरस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी यह छठी मुख्यमंत्री पद की दावेदार, जिन्होंने खुद को अखबारों में विज्ञापन के जरिए घोषित उम्मीदवार बनाया था। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच इन दावेदारों की दावेदारी का चुनावी गणित कितना सुलझ पाता है, किसके सर ताजपोशी होती है, इसके लिए चुनावी परिणाम का इंतजार करना होगा।